हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विंग्स। आप सभी जानते होंगे कि यूपी एपीओ के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 10 जुलाई है। और अगर हम काउंट करें कल से, तो हमारे पास 1.5 महीने के अप्रॉक्स समय बचा है। और इस 1.5 महीने में लॉ के साथ साथ जीके के पोर्शन को भी कवर करना है। सो जीके वाले पार्ट में आपकी हेल्प करने के लिए एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है 45 डेज की। ये 45 डेज आपको बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ फॉलो करने पड़ेंगे। इन टोटल लॉ के साथ साथ आपको 4 आवर्स देना ही पड़ेगा जीके को, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। चलिए बताते हैं आपको कि कैसे आपको अपने वर्क को डिवाइड करना है। करंट अफेयर्स का पार्ट, जिसमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं इन अप्रॉक्स 10 मार्क्स के, वो पार्ट में आपको जुलाई 2021 से लेके जुलाई 2022 तक का कवर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको अब अपना सोर्स लिमिटेड करना पड़ेगा। एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, और स्टैटिक वाले सब्जेक्ट्स के लिए एक ही पर्टिकुलर बुक को फॉलो करें। अगर 10 चीज़ों के लिए भागेंगे तो डाइवर्जन आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। करंट अफेयर्स आपको जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का कवर करना है, और 1 घंटा डेली पढ़ना ही है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है हिस्ट्री से, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 मार्क्स की पूछी जाती है, और साथ ही साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट भी 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इन टोटल अगर कहा जाए तो हिस्ट्री से आपके 16 मार्क्स कवर हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्कोर आपके लिए सिर्फ हिस्ट्री से ही होता है। आपको ज़्यादा टाइम अब हिस्ट्री को ही देना होगा। तो हमने आपके लिए 15 डेज रखे हैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए, जिसमें आपको 3 आवर्स देने होंगे। 2 आवर्स आप अपने पढ़ाई को देंगे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और 1 आवर आप MCQ लगाएंगे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने उस दिन कवर किया है। नेक्स्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉपुलेशन आता है एक टॉपिक, जिसमें 8 मार्क्स कवर किए जाते हैं। उसके लिए आपके लिए 10 दिन रखे गए हैं, जहां पर 9 डेज देंगे आप ज्योग्राफी को, और 1 डे देंगे, सिर्फ 1 दिन ही बहुत है पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन के लिए आप हमारा अपलोडेड वीडियो सेंसस का फॉलो कर लेंगे 2011 का, तो वो बहुत सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट साइंस का पार्ट आता है, तो इसमें 8 मार्क्स इसमें भी कवर होते हैं। यहाँ पे 10 दिन रखे गए हैं, जिसमें फिज़िक्स को आपको 4 डेज देने होंगे। केमिस्ट्री बहुत रेयर पूछी जाती है, तो 2 दिन में ही फटाफट वाला रिवीजन करेंगे और इम्पॉर्टेंट MCQs लगा लेंगे केमिस्ट्री का। एंड बायोलॉजी को भी आप 4 डेज देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इंडियन पॉलिटी आती है इकोनॉमी के साथ साथ, यहाँ पे 8 मार्क्स कवर किए जाते हैं। पॉलिटी में 8 डेज आप देंगे, और इकनॉमी को 2 दिन दे देंगे। इकनॉमी के टॉपिक्स में अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करना है, क्योंकि इकनॉमी आपका करंट अफेयर्स से रिलेट करके ज़्यादातर पूछा जाता है, और उसके साथ साथ आपको नेशनल इनकम के बारे में, 5 ईयर प्लानिंग, RBI, और ख़ासकर 2022 का यूनियन बजट पढ़ना ही पढ़ना है इकनॉमी के पार्ट में। सो ये रहा आज का आपके लिए जीके की स्ट्रैटेजी 45 डेज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।